आम जनता पहले ही महंगाई से परेशान है, वहीं पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने की बड़ी बड़ी बातें की थी, पर आज केंद्र सरकार अपने इस वादे को भूल गई है। उसके उलट महंगाई आसमान छू रही है। देश में मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में कमी आने के बावजूद भी पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। लोगों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से उनकी जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर महंगाई पर बढ़ जाता है, जिससे अन्य चीजों के दामों में भी वृद्धि होती है। देखिए, एक बार फिर से जो है कर्नाटक चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है हिंदुस्तान की जनता को। पेट्रोल लगभग 78 रुपये और डीजल 68 रुपये के करीब आ गया है। इसका सीधा प्रभाव जो है वो आम आदमी पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, और जो है जो हमारी कृषि कर रहे हैं इस देश के किसान उन पर पड़ेगा। तो जब से केंद्र सरकार आई है लगातार जन विरोधी निर्णय हो रहे हैं, जन विरोधी फैसले हो रहे हैं, और इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता इस सरकार को आने वाले चुनाव में देगी। सारी जनता त्राही त्राही कर रही है, हमें तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, हम सोचते थे कि जब GST लागू हुआ तो GST के दायरे में आ जाएगा, तो 50 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, और कहाँ 80 क्रॉस कर रहा है पेट्रोल। हमें तो बहुत दिक्कत हो गई गाड़ी चलाते हुए। ऐसा सोच रहे हैं भी हफ्ते में 4 दिन ही गाड़ी चला करेंगे, 3 दिन गाड़ी का खर्चा भी नहीं पूरा कर पाएंगे हम। लगातार आजकल पिछले 2-3 महीनों से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद तेल बढ़ता जा रहा है। आज लगभग जो 84-85 रुपये लीटर जो है पेट्रोल हो गया है, और डीजल के दाम भी बढ़ गए। मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं, हम मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि बढ़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। देखिए, डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका आम जनता पर सीधे तौर पर जो एक इसका प्रभाव पड़ता है। और पिछले कुछ समय से जब से BJP सरकार में आई है केंद्र में, लगातार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। और अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले फिर से ये दाम बढ़े, और बड़े बड़े दावे जो मोदी जी किया करते थे कि डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आज आप खुद देख सकते हो कि डीजल और पेट्रोल जो है आसमान जो इनके दाम छू रहे हैं। पिछले लगातार 10 दिन से तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम जो आम आदमी पे इस महंगाई के दौर में बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, और इसमें हर चीज़ बढ़ेगी। तेल और पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने का मतलब है हर चीज़ पे महंगाई और आम आदमी का जीना बहुत दुर्भर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।